हेलो फ्रेंड्स, विजयास क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है आपका। आज हम बताएंगे बंद गोभी उगाना, वो भी किचन वेस्ट और किचन स्क्रैप से और बहुत ही आसानी से। इसके जो है कई नाम हैं, कई जगह इसे करमकल्ला बोलते हैं, पत्ता गोभी बोलते हैं और इंग्लिश में कैबेज। सर्दियां शुरू होते ही हर घर में गोभी, बंद गोभी तो हफ्ते में एक दो बार ज़रूर बनती है। तो चलिए उसका वेस्ट डंठल को डस्टबिन या कंपोस्ट बिन में फेंकने के बजाय दोबारा से ग्रो कर लिया जाए। ये वाली गोभी एक हफ्ते से हमारे फ्रिज में पड़ी हुई थी, काफ़ी हालत इसकी ख़राब हो गई है। चलिए इसी को निकाल करके बताते हैं, देखिए कितनी आसानी से ये भी ग्रो होगी। इसका जो है हम इसको यहाँ से काट लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन का हमें बिल्कुल काम नहीं है। जो नीचे का वेस्ट डंठल है इसी को हम यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने काट लिया है इसको। अब ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हो और नीचे वाले जो पोर्शन की सारी पत्तियां हटा दीजिए, क्योंकि पत्तियों का हमें कोई भी काम नहीं है। ये हमने सारी पत्तियां हटा दी हैं। इससे जो भी ग्रो होंगी देखिएगा वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहेगी और मार्केट में बिकने वाली जो पत्ता गोभी है उससे ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये हमने साधारण नल का पानी भरा है, इसमें जो है कोई भी रूटिंग हार्मोन वगैरह कुछ नहीं मिलाया है। बस सब साफ़ करी हुई पत्ता गोभी इसी तरह से इसमें डाल करके रख दीजिए। इसका पानी जो है हर पाँचवें दिन बदलिएगा और सारा काम फिर नेचर पर छोड़ दीजिए, वो काम अपने आप ही होता रहेगा। आपको बस इसका पानी चेक करना रहेगा और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस डंठल जो है वो नीचे थोड़ी सी डूबी रहे। फ्रेंड्स, इसमें जो नए पत्ते आएंगे वो पहले वाले से ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो है 5 दिन के बाद की क्लिपिंग है। हमने पानी चेंज करने के लिए इसको निकाला तो देखा इसमें ग्रोथ हो रही है, तो हम सोचे आप लोग के संग शेयर करते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी रूट्स इसमें निकल आई हैं बहुत जल्दी, छोटी छोटी सी लीव्स भी निकल आई हैं। इसके जो नए पत्ते हैं वो पहली वाली बंद गोभी से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होंगे और पौष्टिक होंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रहेगी। फ्रेंड्स, हमने जो है कुछ 15 दिन पहले भी कुछ इसी तरह से गोभी उगाई थी, ये है। इसमें देखिए काफ़ी सारी ग्रोथ दिख रही है। इसको जो है आप चाहो तो ऐसे ही पानी में भी ग्रो कर सकते हो। इसकी भी हम आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं नीचे से निकाल करके। ये देखिए इसकी रूट, ये 15 दिन में इतनी ग्रोथ है। और ये जो बॉल आपको वाइट कलर के हैं, ये बॉल केवल थर्मोकोल के बॉल हैं। गोलियां जो थर्मोकोल की आती हैं इससे इसकी रूटिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ये ऐसे ही डाल दिया गया था, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, आपको डालना ये ज़रूरी नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि इसको हम सॉइल में कैसे लगाएंगे। इसमें हमने सॉइल अपनी भर रखी है, इसमें जो है गार्डन की सॉइल है, घर की बनी हुई कंपोस्ट मिलाई है और थोड़ी सी बालू मिला दी है, ताकि मिट्टी जो है मेरी सॉफ्ट हो जाए, जो भी कंकड़ पत्थर हो उसको हटा दीजिए। और हाथ से ही थोड़ा सा इसमें हम गड्ढा कर दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर तक कर दे रहे हैं, ताकि जो डंठल ये है मेरी उस गड्ढे में चली जाए और हमें रूट्स ज़्यादा इसकी डिस्टर्ब ना करनी पड़े। देखिए काफ़ी रूट्स हो गई हैं, बस आराम से इसी में ऐसे करके रख देना है। और बंद गोभी का 1 सेंटीमीटर हिस्सा ही हमको केवल मिट्टी में रखना है, ज़्यादा नहीं। अब इसके ऊपर हम किनारे किनारे से जो है जगह है उसमें सॉइल डाल देंगे। आप जो है अपने घर साधारण मिट्टी में थोड़ी सी बालू मिला करके भी डाल सकते हैं। हम तो कोकोपीट डाल रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोकोपीट यहीं पर रखी हुई थी। अगर जो है पत्तों के ऊपर कोई सॉइल वगैरह आ जाती है तो उसको हटा दीजिएगा, नहीं तो फंगस लग जाएगी। अभी जो है हम पानी डालेंगे तो ये सब थोड़ा सा दब जाएगा यहाँ से, तो ठीक हो जाएगा। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, ये देखिए ये अपने आप ही दब जाएगा इसको। फ्रेंड्स, ये जो है इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसको जो है अब 2-3 दिन आप शेड में रखना, उसके बाद हल्की हल्की धूप में रख के फिर पूरी तरह से सनलाइट में आप रख सकते हो, क्योंकि मौसम सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये वाली दोस्तों 20 डेज़ की पूरी क्लिपिंग है, हमने कहा पूरे एक आध दिन हो जाए तब हम वीडियो बनाएं, तो देखिए काफ़ी प्रोग्रेस आ गई है। ये गोभी जो है बहुत अच्छी है, समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरीके का पेस्टिसाइड नहीं मिला है। जो अक्सर सुनते हैं जो बंद गोभी में कीड़े लग जाते हैं, जो दिमाग में चले जाते हैं, तो ये वाली जो आप गोभी उगाओगे ये बिल्कुल आपके लिए सेफ़ रहेगी, क्योंकि ये आपके घर की सॉइल में है और इसमें कोई भी तरह का कुछ भी ख़राबी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस डंठल से एक साथ हम चार भी बना सकते हैं, कभी मौका लगा तो हम वो भी दिखाएंगे, एक ही डंठल से चार गोभियाँ उगाना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग संबंधित नई नई जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।